हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेशन ऑफ आयंस के बारे में। हिंदी में हम इसको कहेंगे आयनों की ध्रुवण शक्ति या ध्रुवण समता तथा ध्रुवणता। तो पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन को समझने से पहले हम बात करेंगे आयन क्या होते हैं, उन पर क्या चार्ज होता है और उनके बीच में आयनिक बॉन्ड किस तरह से बनता है। तो देखिए, जब कोई न्यूट्रल एटम या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो उस केस में आयन बनते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेकर इसको समझते हैं। जैसे देखिए, ए कोई न्यूट्रल एटम है। अब अगर ए एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो उस पर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से जो पॉजिटिव चार्ज्ड स्पीसीज हैं उसको हम क्या कहेंगे? कैटायन, या हम इसको हिंदी में कह सकते हैं धनायन। अब इसी तरह से हम एग्जाम्पल लेते हैं दूसरे न्यूट्रल एटम बी का। अब बी क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। अगर न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उस केस में उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। अब नेगेटिव चार्ज्ड स्पीसीज जो हैं उसको हम क्या कहेंगे? एनायन, और हिंदी में हम इसको कहेंगे ऋणायन। तो इस तरह से न्यूट्रल एटम से कैटायन बन सकता है या न्यूट्रल एटम से एनायन बन सकता है। अब अगर कैटायन और एनायन एक दूसरे के पास आते हैं तो उन पर ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से अट्रैक्शन होता है। तो देखिए, हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए प्लस और बी माइनस दोनों पास आ रहे हैं तो इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अब अट्रैक्शन जब होगा तो उस अट्रैक्शन की वजह से उनमें कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, या हम इसको कह सकते हैं धनायन और ऋणायन के बीच का जो आकर्षण बल है उसको हम आयनिक बंध कहते हैं। इसकी एक डेफिनेशन और हो सकती है। यहां देखिए, कैटायन क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो रिलीज करेगा उस इलेक्ट्रॉन को एनायन क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहां हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। कहां से कहां तक? ए से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है बी की तरफ। तो इसको हम इस बेसिस पर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, या हिंदी में हम कह सकते हैं एक तत्व से दूसरे तत्व में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जब होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? आयनिक बंध। अब देखिए, जब आयंस के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है तो उस केस में इन दोनों की जो शेप है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो उसी इफेक्ट को समझाने के लिए यहां पर दो टर्म दी गई हैं जिनको हम कहेंगे पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन ऑफ आयंस। तो पोलराइजिंग पावर क्या होता है और पोलराइजेशन क्या होता है, तो उसको समझने के लिए हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रल एटम, कैटायन और एनायन की साइज क्या होती है। तो पहले हम बात करते हैं कैटायन के बारे में। जब कैटायन बनता है तो उसकी साइज पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो देखिए, ये हो जाएगा न्यूट्रल एटम। अब कैटायन कैसे बनता है? जब न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो कैटायन बनता है। तो देखिए, कैटायन की साइज क्या होगी? बड़ी होगी या छोटी होगी? तो इसको समझने के लिए हम डिस्कस करते हैं इसके न्यूक्लियस चार्ज के बारे में। तो देखिए, ये है न्यूट्रल एटम। अब इससे जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसका मीनिंग क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उसका न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा। देखिए, हम इसको ऐसे मान सकते हैं, सपोज किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास प्रोटॉन भी कितने होंगे? 10 होंगे। तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होते हैं तो वो होते हैं न्यूट्रल एटम। अब
अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पीछे कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 9 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन तो हो गए 9, लेकिन उसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 10। तो प्रोटॉन न्यूक्लियस के चार्ज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में बढ़ गया। अब न्यूक्लियस का चार्ज जब बढ़ता है तो साइज हमेशा क्या होगी? छोटी होगी। तो कैटायन क्या हो जाएगा? न्यूट्रल एटम के कंपेरिजन में छोटा रहेगा, ये हमेशा रहेगा। कोई भी कैटायन बनाओ आप, हमेशा जो कैटायन बनेगा वो न्यूट्रल एटम के कंपेरिजन में हमेशा छोटा ही होगा। तो पहला कारण तो हो गया न्यूक्लियस चार्ज बढ़ने के कारण कैटायन छोटा होता है। अब दूसरे कारण को भी हम समझ सकते हैं। जैसे देखिए, अगर कोई न्यूट्रल एटम है और उसके आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है और अब उससे कैटायन बन रहा है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? वहां से रिमूव हो जाएगा। तो उस केस में ये जो आउटर मोस्ट सेल है वो भी क्या हो जाएगा? वहां से पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। तो इसकी साइज क्या हो जाएगी? न्यूट्रल के कंपेरिजन में छोटी हो जाएगी। अब देखते हैं न्यूट्रल के कंपेरिजन में एनायन की साइज क्या होती है। तो ये हो जाएगा न्यूट्रल एटम। अब एनायन जब बनता है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है। अब इसी को समझते हैं। देखिए, न्यूट्रल के पास पहले 10 प्रोटॉन थे और 10 ही इलेक्ट्रॉन थे। अब एक इलेक्ट्रॉन जब जुड़ता है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 11। अब न्यूक्लियस के चार्ज के कंपेरिजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो न्यूक्लियस का चार्ज कम रहेगा तो उसकी साइज क्या हो जाएगी? हमेशा न्यूट्रल के कंपेरिजन में बड़ी रहेगी। तो ये बन जाएगा एनायन। तो पहला रीजन तो ये हो गया। अब दूसरा रीजन देखते हैं, एनायन बड़ा क्यों होता है। तो इसी को हम ऑपोजिट करते हैं। तो जैसे देखिए, ये है, अब इसका आउटर मोस्ट पूरा भरा हुआ है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जब जुड़ेगा तो हो सकता है वो नए सेल में एंटर करे। तो जब नए सेल में एंटर करे तो उसका मीनिंग क्या होगा? उसकी साइज हमेशा बड़ी रहेगी। तो इस तरह से कैटायन और एनायन की साइज न्यूट्रल से डिफरेंट होती है। अब बात करते हैं कैटायन और एनायन के बीच में आयनिक बॉन्ड किस तरह से बनता है। तो देखिए, ये हो जाएगा C+। C+ का मीनिंग यहां हम कैटायन से लेंगे और एनायन हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। तो कैटायन की साइज जैसा कि हमने डिस्कस किया छोटी रहेगी हमेशा, और एनायन हमेशा बड़ा रहेगा। चाहे आप किसी भी आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूले को देखोगे तो उसमें कैटायन हमेशा क्या रहेगा? छोटा रहेगा, और एनायन हमेशा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। अब देखिए, जब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा तो ये क्या होंगे? एक दूसरे के नजदीक आएंगे, और जैसे ही अट्रैक्शन फोर्स होता है तो इनमें आयनिक बॉन्ड बन जाता है। अब आयनिक बॉन्ड बनने के बाद इनकी साइज या शेप में क्या चेंजेस आते हैं? तो देखिए, जब ये दोनों नजदीक आते हैं तो कैटायन क्या करेगा? एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये तो हो जाएगा अट्रैक्शन। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आ जाएंगे तो उस केस में कैटायन का जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा? एनायन के न्यूक्लियस को रिपेल करेगा। तो यहां पर दो तरह के इफेक्ट लग रहे हैं, एक तो लग रहा है अट्रैक्शन और दूसरा लग रहा है रिपल्सन। तो रिपल्सन और अट्रैक्शन के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से इस एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कैटायन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, या हम ऐसा कह सकते हैं जो एनायन है वो सिमेट्रिकल ना रहकर अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये C+ हो जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा? कैटायन की तरफ शिफ्ट होगा। तो इसकी जो साइज है या शेप है वो इस तरह से हो जाएगी, ये हो जाएगा एनायन। अब देखिए, ये सिमेट्रिकल है और ये क्या हो गया? अनसिमेट्रिकल। तो यहां पर अनसिमेट्रिकल होने की वजह से शेप क्या हो जाएगी? डिस्टॉर्ट हो जाएगी। डिस्टॉर्ट कह सकते हैं इसको, हम डिफॉर्म कह सकते हैं या हम कहेंगे इसको विकृत। तो यहां पर जो डिस्टॉर्शन हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। अब देखिए, डिस्टोर्ट कौन हो रहा है?
एनायन हो रहा है। तो पोलराइजेशन जो टर्म है वो किसके लिए यूज करेंगे हम, एनायन के लिए। इसको हम पोलराइजेशन कह सकते हैं या ध्रुवणता कह सकते हैं। अब एनायन का जो पोलराइजेशन है वो किसकी वजह से हो रहा है, कैटायन की वजह से। तो कैटायन में इतना पावर है कि वो एनायन को पोलराइज कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे पोलराइजेशन पावर, या हम कह सकते हैं पोलराइजिंग पावर, या हिंदी में हम इसको कहेंगे ध्रुवण शक्ति। ध्रुवण शक्ति कह सकते हैं या ध्रुवण क्षमता कह सकते हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया है, कैटायन क्या करता है, एनायन को पोलराइज कर देता है, क्योंकि एनायन की साइज क्या होती है, कैटायन के कंपैरिजन में हमेशा बड़ी होती है। तो बड़ी साइज वाले आयन को डिफॉर्म करना आसान होता है। अब देखिए, ये जो इफेक्ट है वो ऑपोजिट भी होता है। एनायन क्या कोशिश करेगा, कैटायन को भी पोलराइज करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसा कि हमने पढ़ा है, कैटायन क्या होता है, छोटा होता है, तो छोटे आकार वाले जो हैं उनको डिफॉर्म करना इतना आसान नहीं होता है। तो एनायन कैटायन को डिफॉर्म करेगा लेकिन वो उतना नहीं कर पाता है। तो हम क्या करेंगे, कैटायन के कंपैरिजन में उसको नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो यहाँ पर हमेशा पोलराइजेशन किसका होगा, एनायन का होगा, और करेगा कौन, कैटायन करेगा। इसीलिए पोलराइजेशन पावर की जो टर्म है वो हम हमेशा कैटायन के लिए यूज करेंगे, और एनायन के लिए हम क्या यूज करेंगे, पोलराइजेशन या ध्रुवणता। तो ये हो गया पोलराइजेशन पावर और पोलराइजेशन क्या होता है। अब इस पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेशन का उस बॉन्ड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो देखिए इसको डिस्कस करते हैं। जब कैटायन और एनायन के बीच में बॉन्ड बनता है तो एनायन क्या हो जाता है, डीफॉर्म हो जाता है, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब डीफॉर्म होने की वजह से एनायन के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, कैटायन की तरफ। तो इस तरह से शिफ्टिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड, या जिसको हम कहते हैं सहसंयोजक बॉन्ड। तो कंपाउंड के बीच में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक है, लेकिन पोलराइजेशन की वजह से उस आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। तो यहां हम इस तरह से लिखेंगे, जब पोलराइजेशन होता है तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते हैं। तो यहां हो जाएगा पोलराइजेशन ऑफ एनायन, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर के, सहसंयोजक गुण के, या हम ऐसा लिख सकते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। अब कैटायन का पोलराइजिंग पावर बढ़ता है तो उस केस में भी उस कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते हैं। तो ये हो गया पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन के बारे में।